है जी। तो गुरमीत जी, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि बेसिक एक्सेल एडवांस एक्सेल में क्या डिफरेंट है, और साथ में एक ट्रेनर और एक वर्किंग प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है, ये आपके अचार साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे हमने 30 लिखा, राइट। ठीक हमने 20 कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो 30 है20 बिल्कुल। से रिप्लेस हो गया। या फिर मैं पेस्ट स्पेशल के अंदर में, यहां हमारे सामने ऑपरेशन दिख रहा है, हाँ ऑपरेशन जी के अंदर में आपको यहां दिख रहा होगा ऐड। अगर मैंने बिल्कुल। हाँ जी ऐड पे क्लिक करके ओके किया तो 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ और रिजल्ट 50 यहाँ ऐड। बिल्कुल। एक और हाँ जी बताता हूँ, पेस्ट स्पेशल में मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई किया और 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 1000 पेस्ट हो गया। ओके। इसको हम बेसिक कह सकते हैं। आपने जाना कि किस ऑप्शन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ठीक है इंप्लीमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, ये चीजें के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट द बेनिफिट, बेनिफिट क्या है, हम इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। अगर इसी को एडवांस एक्सेल के बारे में बात करें तो एडवांस एक्सेल में हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं परसेंटेज के बारे में कि अगर एक्सेल में परसेंटेज देना है तो 20 और यहाँ पे परसेंट का सैंपल देते हैं तो 20% यहाँ आता है। अब 20 आपने लिख दिया, फिर सिलेक्ट करके फिर परसेंट देंगे तो ये हो जाएगा 2000%। एक्सेल में 1 = 100% होता है, तो मतलब ओके आपको बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 करेंगे एंड देन इस पे परसेंट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% आएगा। अब ठीक यही है जो जी। प्रॉब्लम है, हमारे जो कलीग है उन्होंने मुझे एक डेटा भेजा, ठीक है, ठीक है जी। एक डेटा उन्होंने मुझे भेजा और यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा नंबर में दे दिया, देख पा रहे हैं डेटा जो हमारा क्या है नंबर में। ठीक है जी। मुझे अगर इसको कहीं यूज करना है, जैसे मान लीजिए 500 का 61% निकालना है, अब 61% अगर परसेंट में हुआ तो जस्ट इसको सिलेक्ट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी लेकिन 61 नंबर में हुआ तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट नहीं आएगा, हमें फॉर्मूला को चेंज करना होगा, मतलब 100 करना होगा डिवाइड बाय, ठीक है जी। समझे। अब हाँ समझ गया। प्रॉब्लम है कि इसको जहां यूज करना है, क्योंकि डेटा उन्होंने भेजा, मैं इसको अपने रिपोर्ट में, डैशबोर्ड में, एनालिटिक्स में यूज करूंगा, अब हाँ वहां जी इसको परसेंटेज चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि अगर वहां मैं डाला तो ये 1 = 100% मतलब 61 100% आ जाएगा जो कि गलत होगा, 305 बिल्कुल। की हाँ जगह जी 30500 रिजल्ट आएगा। हाँ जी तो दो चीजें हैं, या तो मैं यहाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कॉपी करके फिर पेस्ट करूं, या फिर जो कैलकुलेशन उसमें डिवाइड बाय 100 करूं। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन चेंज नहीं कर सकता कि कॉम्प्लेक्स है और साथ में कई सारा डेटा से लिंक है, ठीक है जी। तो मुझे एक पास रास्ता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब इसको मैं 61 को 61% लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा कि हाँ जी बहुत सारा डेटा लाखों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इस चीज को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हम हाँ जी 100 टाइप करेंगे, 100 यहाँ पे टाइप करेंगे किसी एक जगह पे, ओके। और इस 100 को कॉपी करके पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल हम कर देंगे आपको डिवाइड। ओके डिवाइड करते ही 100 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा और फिर परसेंटेज का सिंबल डाल दीजिए, हो ऑलराइट ओके ओके। हाँ गया। जी हो गया। अब एक ट्रेनर जो होगा आपको ये चीज सिखाएगा, वर्किंग प्रोफेशनल आपको इस तरह की चीज सिखाएगा। अब सही इसको है ठीक सीखा आपने तो आपने इसको जान लिया कि हाँ इसको ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन है बिल्कुल इसको आपने ऑफिस के अंदर कैसे करना है आप नहीं कर पाए। उसके लिए क्या बिल्कुल करना जी होगा, उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ठीक है जो जी। चीजें हैं
दिमाग में ट्रेनर को नहीं आया क्योंकि उसने काम तो नहीं किया हुआ है, उसने तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल उसके बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर के जो ए है, उनके जो प्रस्पेक्टस है, उनके जो कंटेन है, वो जस्ट वो कंटेन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। रियल लाइफ प्रॉब्लम से उसने नहीं किया, फेस नहीं किया। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक, हालांकि आप तो न्यूजीलैंड से है, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया हाँ से एक लेडी थी, जी परनीत कौर करके नाम था। उन्होंने मुझे रात के करीब 9 या 10 बजे के आसपास कॉल किया था, तो हाँ मैंने जी फोन काट दिया। फिर 11 बजे उन्होंने कॉल किया जब मैं जा रहा था घर, तो ओके उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि मेरे पास डेटा है, मैंने एक रिसर्च किया है, मैं अपने एक उस रिसर्च सेंटर में काम करती थी, कि मैं 3 महीने से एक रिसर्च सेंटर पे काम कर रही हूँ, कर रहा था एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे हाँ एक जी प्रॉब्लम आया है मेरे पास। उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 ए है, मतलब कि नंबर्स थे, मतलब कि हमने 2 ई थे, हाँ जी नेगेटिव एंड पॉजिटिव था, तो मैंने क्या ओके किया ठीक था कि उसको कलर कर दिया था, हमने कंडीशनल है जी प्रॉपर्टीज की है, नहीं, नॉर्मल जो कलर होता है नॉर्मल कलर कर दिया है, और कोई कंडीशन नहीं बन सकता क्योंकि हमने उसको टॉपिक को अलग अलग सोर्सेस से जाके रिसर्च किया है, उसकी ठीक है जी कंक्लूजन निकाली है, देन उसको हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे डाला है, तो कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। ठीक है जी अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 300 सीट पे काम किया हुआ है, 300 सीट्स, अरे वाह और ओके ठीक लाखों लाखों सेल समझिए कि उन्होंने इस तरह से कलर किया हुआ है जी है। उनको कल रिपोर्ट सबमिट करना है, वो फाइल मुझे नहीं भेज सकती, और उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है, और मैं रात को 11 बजे ऑफिस बंद करके निकलने वाला हूँ, ओके कॉल हाँ आया, इमरजेंसी है, जी तो मैंने सोचा कि बोल देता हूँ कुछ बड़ा सा अमाउंट फोन काट देंगे, कोई करने का मूड नहीं था, रात के 11 बजे, सुबह 5 से रात के 11 तक काम किया, तो मैंने हाँ उनको जो है $299 बोल दिया कि लगेगा, क्योंकि ओके हाँ हाँ रिक्वायरमेंट थी, या उनके लिए अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए काफी ज्यादा था अमाउंट, हालांकि ओके और 2-3 हजार, 4-3 हजार में काम कर देता, बाकी ये तो मैं फ्री में भी कर देता, इतना छोटा वर्क ठीक है है। जी हाँ तो मुझे उन्होंने फोन किया, मतलब ठीक है, तो उन्होंने आधे घंटे बाद उन्होंने मेरे पेपल अकाउंट में पैसा डाल दिया, मुझे पता भी नहीं था, ओके मैं पहुंच गया घर, पेपल अकाउंट में पैसा आ गया, मैं लैपटॉप उस समय कैरी करता नहीं था, डेस्कटॉप यूज करता था, फिर वापस आया ऑफिस, खोला पीसी, खोला जूम, उनकी टीम व्यूवर से मेरे साथ कनेक्ट किया, उस समय गोटो मीटिंग यूज करता था, गोटो मीटिंग के साथ मैंने कनेक्ट किया और मैंने अच्छा इसको स्वैप किया। अब समझिए ओके ठीक कैसे स्वैप किया होगा, क्योंकि अगर छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये लाखों का सेल, समझे, लाखों का सेल है, तो इनको बिल्कुल जब बिल्कुल मैंने बिल्कुल जब करके दिखाया तो बोले तो बहुत छोटी सी चीज है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल फाइन रिप्लेस पे गया था, समझे, रिप्लेस में मैंने सिंपल सा ग्रीन कलर लिया, ग्रीन कलर को मैंने कर दिया येलो, पहले हेलो कर दिया एंड रिप्लेस, ठीक ओके हाँ है, देन जी वापस मैं रेड को सेलेक्ट किया, रेड को कर दिया ग्रीन। अब मैं ठीक है पहले जी ग्रीन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ग्रीन करता तो बाकी जो रेड सब ग्रीन हो जाता, रेड भी ग्रीन हो जाता, ग्रीन भी रेड हो जाता, पता ही नहीं चलता बिल्कुल ना, बिल्कुल स्वेप कर रहे हैं ना हाँ हम, हाँ तो हाँ हाँ जी हमने येलो, हाँ येलो वाले को हम क्या कर रहे हैं, रेड वाले को कर दे रहे हैं ग्रीन, रिप्लेस, अब ग्रीन हो गया। हाँ जी फिर वापस मैं गया फॉर्मेट में और मैंने बोला येलो रेड हो जाए, ओह ठीक ठीक है है, और यहाँ पे मैंने उनके पास कई सारे शीट्स थे, तो यहाँ जो है हमने ऑप्शन पे जाके, या ऑप्शंस में, यहाँ पे बाय सीट के जगह पे, बिथिन सीट के जगह पे वर्कबुक कर दिया, तो आई थिंक 5-7 मिनट लगा होगा, और वो क्या किया होगा, सारे कर दिया येलो, ओह तो सामने वाले जो हमारे प्रमीत कौर जी थे, उनके मुंह से क्या आवाज निकला पता है, बस अच्छा बस एक ही वर्ड बोले, बस। तो अब सही है देखिए, अब ऐसा नहीं कि उनके पास एक्सेल की नॉलेज नहीं थी, ही इज अ गुड ऑफ हाँ एक्सेल, बड़े बड़े फॉर्मूले फाइल मैंने देखा था उनका, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले, एरे फॉर्मूले वो लगा रहे थे, और उनकी नॉलेज अच्छी थी, बोल रहे थे कि मैं करीब बहुत सालों से काम कर रही हूँ, और उन्होंने एक्सल फॉर जो मिस्टर एक्सल है ना, हाँ
जिन्होंने बुक लिखा उनसे ट्रेनिंग लिया हुआ था। अरे बाप रे, अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ही सी द फ्रेशर, समझ गए? जब आप बोला कहा जाता है ना कि जब सोना तपता है तब कुंदन बनता है, ऐसा तो सब पीला होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब एक्सपीरियंस में जाएंगे तब पता चलेगा। अब सेम एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा एक काम और आया था मेरे पास, मैं उसके लिए डेटा चाहिए मुझे, एक डेटा था, एक छोटा सा डेटा ही देता हूँ। अब ये उनका कहना था कि मुझे डेटा मिला हुआ है, मैं क्या चाहता हूं कि यहां से हम एक ब्लैंक रो लें और ब्लैंक रो में मैं यहां टोटल टाइप करूं और इन समों पे हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करें। ओके, समझे? यहां सम का फॉर्मूला अप्लाई करें और सबको यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है जी, और यहां पे इसको बोल्ड कर दो। इसके लिए सब टोटल लगाया जा सकता है, लेकिन सब टोटल कब लगता है? जब एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि पूजा है तो जितने नेम है सारे नेम के टोटल कर दो या सारे सिटी के टोटल कर दो। तो ऐसा उनका नहीं था, उनका कहना था कि क्या है कि मुझे पास लीड्स आते हैं और मुझे लीड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, जैसे उनके पास अगर 20 लीड आया है और 5 हो गए तो 400 लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी। और फिर उनका रिपोर्ट पोर्टल निकालते हैं कि हाँ भाई ये जो लीड नंबर 1 है ये किसको दिया है, इसका नाम यहाँ लिखते हैं कि हाँ इसको अलॉट किया गया है और फिर उसने क्या क्या काम किया उसके अकॉर्डिंग उसका रिपोर्ट बनता है, ठीक है जी। उनको सबसे प्रॉब्लम थी कि हर 2 सेल या 4 सेल या 10 सेल बाद एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना एंड फॉर्मूला अप्लाई करना। उनके पास करीब 70,000 से 80,000 डेटा हर मंथ हो जाता, वो कहते थे कि मेरा महीना चल जाता है इसी चीज को करने में। अरे बाप रे, सही बात है। उनके पास तकरीबन 700-800 के आसपास नंबर ऑफ टेलीकॉलर्स हैं जिनको अलॉट करते थे, ठीक है जी, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनको फोन पे समझाना होता था कि भाई फलाने ने कितना किया, उसने कितना किया, कौन से किसका क्या था मंथ होता है, या फिर ये मंथ के जगह पे कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होते थे, इसका क्या हुआ। तो वो अलग अलग फाइल में डेटा जब रखते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती थी, अलग अलग फाइल में फिर जाना फिर लेना फिर जाना लेना, अगर एक का बताया फिर बहुत से पता से बताओ उसका कितना हुआ फिर उसका खोलना फाइल, वो प्रॉब्लम होती थी। तो बोले एक फाइल में रहेगा तो मैं आराम से स्क्रॉल कर लूंगा या फिल्टर कर लूंगा, ठीक है जी। तो अब बताइए इस चीज को करने के लिए हमें लगता है कि कोई अनस्पेक्ट बंदा इतना इजीली कर लेगा, क्योंकि इसमें चाहिए ट्रिक्स। आखिर होगा है सॉर्टिंग से, लेकिन हर कोई नहीं कर पाया। सही बात है। अगर किसी के पास कितना भी बड़ा ट्रेनर हो, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो, लेकिन अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑफिस में काम किया है, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है, तब वो कर पाएगा। सही बात है। कैसे मैंने इसको कैसे किया था, मैंने सबसे लास्ट में गया एक डमी सीरियल नंबर ऐड किया, तो दो दो के बाद ऐड करना है तो मैंने 2 बार 1 लिखे और यहाँ पे हम ऊपर वाले में +1 करके नीचे की तरफ आ गए, ठीक है, ठीक है जी। तो हर नंबर यहाँ 2 times हो गया। अब इसी के नीचे मैं नंबर को अगेन उसी सीरियल नंबर को रिपीट करूंगा लेकिन ओनली फॉर 1 time, ओके, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है कि मैं शॉर्ट करूंगा सीरियल नंबर का पार्ट, तो शॉर्ट मतलब कि तीनों 1 इकट्ठा हो जाएगा, क्या तीनों 1 इकट्ठा हो जाएगा? हां जी। अगर एक अब इकट्ठा होगा तो सिर्फ ये रो एक साथ नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा रो लेके आएगा ना, ये 1 जो आ जाएगा ऊपर पूरा रो लेके जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैंक इसके नीचे ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट कस्टम शॉर्ट पे गए, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट कर दिया, हो गया। तो हर 2 नंबर के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया सर। हाँ जी। अब बात आती है भाई, ब्लैंक रो इंसर्ट कर लिया तो आपने समझिए कि 20-30% काम कर लिया, टोटल लगाना कॉपी पेस्ट करना तो बचा ही है आपका,
टोटल लगाना भी बचा। हाँ क्या बचा है ना। तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, कंट्रोल एच किया। अब बोला कि यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि ब्लैंक को टोटल बोलो, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। कंट्रोल एच, मिस्टेक इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ वर्कबुक ले रखा है, हमें शीट सेलेक्ट करना चाहिए। ओके। ठीक है, हाँ जी, टोटल। अब ब्लैंक को टोटल से करना तो इजी हो गया था, अब बात आती है यहाँ तो फॉर्मूला लगाना है ना। अब एक फॉर्मूला सब पे ना लगेगा क्योंकि तो यहाँ पे D1 से D3 होगा, अब यहाँ पे E1 से E3 होगा, हर किसी का अलग अलग एड्रेस है, एमएलआर हाँ जी, हाँ जी, तो नहीं अपना सकते ना। तो नहीं, यहाँ पे हम एक कुछ और मेथड अपनाएंगे, हम पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ठीक करने है, के बाद जो है यहाँ पे जाएंगे, गो टू ए स्पेशल ब्लैंक। ये क्या करेगा, ब्लैंक जितने भी ब्लैंक है उसको सेलेक्ट कर रहे। ओह ठीक है जी। फिर यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और एरिया सेलेक्ट कर लिया, जो भी फॉर्मूला लगाना है लगा लिया। ठीक है अब जी, कंट्रोल के साथ जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है। ओ छोटी चीज है यार, हमें यार कोई रॉकेट साइंस नहीं बताना उसे, छोटी चीज है ना सर। बिल्कुल लेकिन क्या है ना सर कि हमारा बहुत बुरा टाइम बचा रहा है, आप देख जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ ये। हाँ हाँ, जी, लेकिन तो करने का मतलब सुरजीत यह है जी, ये तो, कि हम हर हाँ किसी को जी, भेजिए, हर किसी को सलाह देते हैं कि आपको मुझसे सीखना है या किसी और से सीखना है, लेकिन ठीक सिंपल से बात जान लीजिए, वर्किंग प्रोफेशनल से सीखेंगे। देखिए ट्रेनर आपको बताएगा कि हम किसको क्या किससे क्या करते हैं, ठीक है लेकिन जी, एक प्रोफेशनल बताएगा कि इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक बिल्कुल है सही है, ना। और ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्योंकि हम तो आप समझ सकते हैं एक इंजीनियर किताब पढ़ के निकलता है, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ परफेक्ट जी, नहीं होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही लेकिन है, मैकेनिक जो है बिना किताब पढ़े हुए हर एक चीज के बारे में बता देता ठीक है जी। नहीं, है। मुझे तो सिर्फ ये क्लियर करना था कि जैसे आप बेसिक से ही करवाएंगे, क्योंकि मुझे तो एक्सेल हाँ, छोड़े 5 साल हो गए, मैं अब मैं अपने अभी। कोर्स के ऊपर आता हूँ। अच्छा इसे हाँ जी, बताइए, आपको प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड करना है या नहीं? नहीं, प्रोग्रामिंग अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सुना लेटर आपसे पावर बीआई आप करवाते हैं कि नहीं कराते हैं? हाँ पावर बी कराते हैं। देखिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाते हैं तो यहाँ आपको हाँ लाइव जी, क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास, दो तरह की क्लास मेरे पास है। रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में है जो कि मोबाइल ठीक है ऐप और जी, सिस्टम एंड्रॉयड iOS सब पे देख सकते हैं। ठीक दूसरा है हमारे जी, पास आता है लाइव क्लासेस। ठीक लाइव है जी, क्लासेस जो होता है हमारा, वो हमारा जो भी हम ले रहे हैं क्लासेस, दैट इज लाइव क्लासेस। ठीक तो लाइव क्लासेस में हम क्लिक करते हैं, जो लाइव क्लासेस में हम आते हैं तो मेरे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, एडवांस एक्सेल विद जी, ठीक फॉर्मूला, वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस, कंप्लीट एमआईएस कोर्स, पावर बीआई आप देख पा रहे हैं, पावर बीआई। उसके है जी, ओके, ठीक बाद है, यहाँ डैशबोर्ड है, आपका टैली है, टैबलू है, एमएस ऑफिस है, तो अलग अलग कोर्सेज है। जो लेकिन एमएस मैं ऑफिस में, इसमें बेसिक्स एक्सेल है कि क्या है उसमें? बेसिक है सर, एमएस ऑफिस बेसिक तो इंटरमीडिएट कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल ओके में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो बेसिक उसमें ये कितनी देर की क्लास है बेसिक एमएस ये ऑफिस दो की? महीने की क्लास पड़ेगी, ये पूरा जो है पैकेट मिलेगा आपको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस, ओके, अच्छा, ठीक है ना। इसमें एक्सेल नहीं आएगा? एक्सेल होगा, इसमें भी एक्सेल होगा, बेसिक एक्सेल होगा, चल देखिए बेसिक अच्छा, तो बेसिक एक्सेल में क्या कुछ है, टू मतलब इंटरमीडिएट कि है, बेसिक टू इंटरमीडिएट। मुझे बेसिकली पहले बेसिक से इंटरमीडिएट करना था, और इंटरमीडिएट के बाद फिर एडवांस करना था, क्योंकि देखिए मैं ये जो मुझे चीजें एक्सेल, इसमें करा रहा हूँ ना, ये चीजें भी सेम हम इसमें कराते हैं, एक्सेल में कराते हैं, एक्सेल कोर्स में कराते हैं। ओके, ठीक है जी, और इसमें है कि इसमें आप पूरा एमएस ऑफिस का पैकेज है, अच्छा जी, क्योंकि ठीक है। मुझे और ये पावर पॉइंट फिर वगैरह भी सीखना था, क्योंकि वो मुझे आता तो नहीं आप पावर पॉइंट एक वगैरह कोर्स लेके आता। चल सकते हैं, और एक कोर्स आप एक काम और कर सकते हो, एक्सेल इंपॉर्टेंट है बाकी चीज सपोर्टिंग है, एक्सेल अच्छा इंपॉर्टेंट जी, है बाकी हाँ सपोर्टिंग है, जी,
तो आप मंडे टू फ्राइडे आप एडवांस एक्सेल को कैरी कर सकते हैं, सैटरडे एंड संडे जो है वीकेंड में आप एमएस ऑफिस को कैरी कर सकते हैं। ओके, उसकी कितनी फीस है, उसकी कैसे है? मैं फीस पे भी आता हूँ, तो जब इस पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो मेरे क्लासेस की जो कोर्सेज है पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें, ये पीडीएफ कॉपी आई थिंक आपको मैंने भेजा था कि नहीं भेजा? हाँ जी भेजा था, पीडीएफ कॉपी है जो मैंने भेजा था। इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, तकरीबन 45 घंटे का कोर्स आपका है, 45 घंटे सिर्फ एक्सेल है, एक्सेल ऑटोमेशंस है, और किस तरह की चीजें जो अभी हमने बताई है वो ट्रिक्स है। हमने सिंपल ये नहीं बताया हुआ कि हाँ फलाना ऐसे करता है, हमने उसको पूरा एलोबरेट किया हुआ है। ठीक है जी, समझ गए? एक एक फॉर्मूला, इफ का फॉर्मूला है, इस दो फॉर्मूले को मैंने 4 घंटे 5 घंटे बताया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, तो इसमें आपको ए टू जेड आपको दिखता है, बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग ए टू जेड, कोई चीज ओके देगा, हर एक चीज में इंक्लूडेड। अच्छा ओके, तो इसमें जैसे आप मुझे एक लेक्चर लेंगे, उसके बाद मुझे होमवर्क मिलेगा या असाइनमेंट मिलेंगी कि, क्योंकि मैं मुझे आपको तो बताता हूँ, प्रैक्टिस नहीं है ना। शुरुआत में तो आपको जो है ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा काम, क्योंकि जब सबसे पहले पढ़ा दूंगा आपको, आपको हर क्लास में जैसे भी आपको समझा रहा हूँ, हर क्लास में इसी तरह से समझाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक ठीक है? है जी, इसके बाद क्लास जब खत्म होगी तो दो चीजें मिल सकती है, एक मिल सकती है जिसपे हमने अभी काम किया है ताकि आप भी इसको करके देख सके, ठीक है जी, ये फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक दूसरा, है जी, इससे इससे रिलेटेड कोई सपोर्टिंग आर्टिकल या कोई पैराग्राफ है पढ़ने के लिए थ्योरिटिकली, वो आपको दे दिया जाएगा, या ठीक है फिर जी, कोई रिसर्च दे दिया जाएगा। ठीक है जी, रिसर्च जैसे कि मैंने बोला कि भाई, मैंने आपको बताया पढ़ाया कि भाई गो टू ए स्पेशल में जाके हम स्पेशली एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं करेंट रीजन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब मैं आपको क्लास में बोल दूंगा कि आप जो है इंटरनेट और जो भी आपके रिसोर्सेज के इस्तेमाल करो, और गो टू स्पेशल के बारे में मुझे 10 चीजें बताओ जो ठीक मैं है, आपको ना बताया। ओके ठीक है, मैंने मान लीजिए कि मैंने इसको समझा दिया, 5 चीजें 6 चीजें इसकी जो चीजें थी मैं समझा दिया, समझाने के ठीक है बाद मैं जी, आपको रिसर्च दे सकता हूँ कि आप क्या करो कि इस पर रिसर्च करो, और 5 जो मैंने बताया है उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है वो रिसर्च करो। ठीक है जी, ठीक है, ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि आप जब ऑफिस में काम करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल, एक टॉपिक को जितना ज्यादा एंगल में आप देखेंगे उतनी हाँ हाँ संभावना है कि आप अपने काम को कर सके, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, समझ गए ना? और मेरे पास जो एक छोटे छोटे टॉपिक के इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, इतने अच्छे से एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ, कोई ओके टॉपिक ठीक है, आया तो उस टॉपिक को किस तरह से और क्या क्या, क्योंकि मैं हर बार हर क्लास में कुछ नई चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक आप है मेरे जी, यूट्यूब की वीडियोज देख लीजिए, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग उठा लो या कस्टम फॉर्मेटिंग उठा लीजिए, आपको अगर 10 वीडियो सेम लेक्चर मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नया होगा। ठीक है जी, तो असाइनमेंट नहीं मिलेगी हमारे को कुछ के प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट कुछ? आपको बोला ना, आपको आपको प्रैक्टिस शीट मिल सकती है, कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, रिसर्च मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी आपकी जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है और टॉपिक के ऊपर। कोई फिक्स क्योंकि नहीं मेरे है पास, कि हाँ दूसरे क्लास में मुझे ये फाइल उठा के देना, तीसरे क्लास में मुझे ये फाइल उठा के देना, इसलिए क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे पास इंडिविजुअल लेवल की क्लासेज होती है, एक दो बंदे बैच में होते हैं और ठीक है मोस्टली जी, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हर किसी का अलग अलग पढ़ने का पैटर्न होता है, उसकी ऑब्जर्विंग ठीक है जी, पावर होता है, तो मैं ठीक है, उनके ही लिए ही चीजें क्रिएट करता हूँ, हर दिन ठीक क्वेश्चंस है जी, क्रिएट करता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, तो ये चीज आपको मिलेगी। और दूसरी चीज होता है टाइम टू टाइम आपको टेस्ट होगा, ठीक है जी, जैसे कि एक सेक्शन जब खत्म होगा तो एक टेस्ट होगा, सेक्शन खत्म होगा तो टेस्ट होगा, या असाइनमेंट जैसे मैं फॉर्मेटिंग पढ़ा रहा हूँ, आप क्या है कि फॉर्मेटिंग छोटी चीज तो है नहीं, 5-7 दिन लगा पढ़ने में आपको फॉर्मेटिंग, तो 5 दिन ठीक बाद है जी, आपको एक फॉर्म एक मिल जाएगा, प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि भाई फॉर्मेटिंग आपने पढ़ा, मुझे ऐसा बना के दिखाइए। ठीक है जी, अगर आपने वो फिर मेरे से नहीं बनता तो आप हेल्प करेंगे दोबारा उसको हाँ, कैसे बनना क्या आप है? जब बनाएंगे, बनाने के बाद मुझे फाइल भेजेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ से आपको क्या चेंज करना चाहिए था, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे अभी एक्सेल स्टार्ट नहीं करा उन्होंने, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे उसके ऊपर डाल देंगे, तब मैं उससे पहले सोच रहा था, तब मैं कह रहा था हाँ, मुझे। दूसरी चीज, और आप चिंता बेफिक्र रहिए, अगर आप ऑफिस में काम करते समय प्रॉब्लम हो रही है तो चीजें क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप
क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, बोले सर मुझे ऑफिस में काम आया था, बताइए क्या करें। तो मैं आपका काम करके नहीं दूंगा, हाँ वो काम वो कैसे करना है वो सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि सर मैंने फाइल भेज दिया, आप इसको कर दीजिए, करके भेज दीजिए, ये चीजें नहीं 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 वो तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। तो नहीं, मेरा तो रीजन ये था कि बेसिकली मैं अभी एक्सेल पे काम नहीं कर पा रहा हूँ अभी काम पे, क्योंकि मुझे उन्होंने वो काम दिया नहीं अभी तक। अभी वो फोर लाइन भी समझा शुरू कर दीजिएगा, और एक और बेनिफिट हो जाएगा ना सर, अगर 2 महीने क्लास चल रही है तो 2 महीने तक आपको मेरी तरफ से आपके काम पे असिस्टेंट मिल जाएगा, 2 महीने तक तो आप एक तरह से आपका सीख ही लोगे ना कैसे काम करना है। बिल्कुल 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 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब 2 महीने बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए कि प्रॉब्लम है, मैं टाइम निकाल के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। सोल्यूशन छोटी मोटी रहा तो मैं उसी में भेज दूंगा, मुझे लगा कि नहीं नहीं ये फोन पे नहीं समझने लायक बात है, तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो या कोई एग्जाम्पल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं फीस के ऊपर। तो आप जो है आप हमारा जो एडवांस एक्सेल है, हाँ जी एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला जो मेरा पीडीएफ भेजा था आपको, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें मैक्रोस भी आप करवाएंगे? नहीं, मैक्रोस पूछा आपने, बोला मैक्रोस नहीं है, तो मैक्रोस इसके अंदर नहीं है, फॉर्मूला। अच्छा जी, ओके ठीक है, ओके ठीक है, इसका आपका जो ठीक है है तकरीबन वही 2 महीने का टाइम होगा और इसकी फीस ओके पड़ेगी 7,500। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अगर आप एमएस ऑफिस करते हैं, ठीक है, हाँ जी एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है जी, एक्सेस है, इसकी भी 2 से 2 महीने के आसपास ही जाएगी ये भी आपको, ठीक है, ठीक है जी। और इसका पड़ेगा आपको 6,000। तो ये एडवांस एक्सेल भी फार्मूला 32-33 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो इतना सब कुछ है? जी सर, हमने बताया 35 to 45 आवर्स। अच्छा जी ठीक है, और ये बढ़ भी सकता है, ड्यूरेशन एवरेज है, पहले बता दो क्लास का हो चाहे आपका इसका हो, कोर्स का ड्यूरेशन हो, दोनों एवरेज है, ये बदल चेंज हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो 45 मिनट के आवर की जगह पे 60 भी हो सकता है और 35 की जगह पे 30 भी हो सकता है, वो आप कैसे किस स्पीड में सीख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है जी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है नहीं कि मैंने 35 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी है 35 मिनट भी होगी, या सर कोई कैप्सूल तो है नहीं कि आप 35 गोलियां एक एक दिन खिला दूं आपको, आपको एक्सेल आ गया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग क्लास होगी कि आप ही हमारे को कराएंगे? लाइव है, लाइव की बात की, रिकॉर्डिंग में तो आपको एक सस्ता पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में आपको ये पड़ेगा 2-3 लाइन का पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा 1,000 का। ओके नहीं मुझे लाइव ही अच्छा, लाइव में हम यहाँ कोई प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमारे को देख सकोगे कि कैसे कुछ देंगे? लाइव में आपको प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करना क्योंकि मुझे आपकी स्क्रीन को नहीं देख सकता, ठीक है ना, आपको पहले क्लास को देखना है, समझना है, ऑब्जॉर्व करना है, डाउट्स को ठीक है जी, बस क्लास खत्म होते हैं इसकी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आपका ठीक है जी आपको वीडियो दे देगा, आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम होती है वीडियो को रेफर कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कीजिए, बड़ी प्रॉब्लम है नोट कीजिए, अगले दिन पूछ लीजिए। ओके ठीक है, मतलब ओके ठीक है। तो मुझे तो वो सिर्फ यही था कि अगर साथ करेंगे, साथ साथ करेंगे ना तो दिक्कत होगी सर, आप चीजें समझ नहीं पाएंगे। ओके ठीक है, बोला आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ पाएंगे और आपका दिमाग रहेगा जहाँ पे, क्योंकि आपसे होगा नहीं, आप एक कॉमा छोड़ दीजिएगा आप समझ में आएगा कि कॉमा नहीं लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है, फिर इम्प्लीमेंट करना। ओके तो आप एक क्लास लेंगे उसके बाद फिर वो इसकी रिकॉर्डिंग को मैं अगले सारा टाइम प्रैक्टिस करूंगा। हमारी बातचीत हुई ना, रिकॉर्ड होगी आपके सिस्टम में। हाँ जी हम दोबारा सुन सकते हैं आप। ओके तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स, अब वही बात आ गई कि आपने, मैंने बताया ना आपको कि टाइम टू टाइम आपको टेस्ट मिलेगा, हर दिन आपको 3 चीजें मिलेगी, या तो कोई क्वेश्चंस मिलेगा जिसको आप असाइनमेंट कह सकते हैं, या कोई आर्टिकल मिलेगा पढ़ने के लिए, अच्छा जी ठीक है, या फिर आपको कुछ रिसर्च मिलेगा। ओके ठीक है, बस यही मैं पूछा था कि जो भी टॉपिक कराओगे तो उसका मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, कि ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं उसको थोड़ा सा। हाँ बताया आपको, जैसे कि मैंने आपको भी जो पढ़ाया उस चीज हाँ मिलेगी मिलेगा आपको, ताकि आप देख सके उसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है कुछ पढ़ने के लिए मिला जाए, मान लीजिए कुछ चीजें मैंने बताई
छोटी छोटी मोटी चीजें थी, उसमें आगे कुछ करने का खास है नहीं, तो उस दिन आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दूंगा मैं, ठीक ठीक है जी, ठीक है, ठीक है है भाई, ना? ठीक है, या कोई रिसर्च कुछ देखा है, कोई टॉपिक अच्छी है तो उसपे 5-7 चीजें आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गई है, तो उसमें आपको हम रिसर्च दे देंगे। वो तो टॉपिक टू ये टॉपिक डिपेंड करता है, ओके ओके, हर टॉपिक में नहीं मिलेगा, कुछ टॉपिक्स में मिलेगा, नहीं जैसे मोस्टली टॉपिक मिलेगा दे, मिलेगा तो हर दिन आपको, ओके ठीक, हर दिन ही मिले, ओके ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन नो क्या प्रॉब्लम, मिलेगा वो डिपेंड करेगा टॉपिक और आपके ऑब्जर्वर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो आपकी अभी क्लास कब स्टार्ट हो रही है, कैसे है टाइमिंग्स आप देखिए अभी जो का? टाइम 12 बजे के लिया है वो फ्री है, कल से कर सकते हैं आप। ओके आपके पास अभी ग्रुप है कि कैसे मुझे ही कराएंगे? इंडिविजुअल चलता है हमारा, 1-to-1, 1 से 3 बच्चे ही रहते हैं, 2 पर में तो इंडिविजुअल ही रहता है। ओके, मैं अभी ना, मेरा जो अपना लैपटॉप है खराब हो गया है, तो मैं उसको आज ही रिपेयर के लिए देखे हैं, तो मुझे कल